साथ सोशल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी नुमाइंदा अक्सा मीर। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी बलोचिस्तान में सबसे बड़ा आज यहाँ पर खेलों का जो इनका हो रहा है, जिसमें ख़ासतौर पर ख़वातीन को यहाँ पर एक बहुत बड़ी वैल्यू दी जा रही है। अमूमन ऐसे होता है कि यहाँ पर ख़वातीन को हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन आज यहाँ ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें ना सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो टीमें हैं वो हिस्सा ले रही हैं। पांच यहाँ पर टीमें आई हैं जिनमें 65 खिलाड़ी वो हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको बताएगा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राउंड में, जहाँ पर क्रिकेट का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पर ख़वातीन आई हैं वो यहाँ पर खेल रही हैं। इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा खुशी तो ये होगी कि ख़वातीन ख़ासतौर पर बाहर से आई हैं और बलोचिस्तान में अपना टैलेंट दिखा रही हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जॉन कुमार की तरफ से पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि ये टूर्नामेंट की उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने आज ओपनिंग की, और ख़ास तौर पर उन्होंने ये बात कही कि अगर हमारे सूबे में जिस तरह से खेलों का इनेकाद किया जा रहा है, इन खेलों को मज़ीद भी फ़रोग देना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि वो इस हवाले से बेहतर इकदाम करे, क्योंकि यहाँ पर खेलों के हवाले से हमेशा से नौजवानों को ये गिला रहा है कि यहाँ पर जो खेलों के मैदान हैं हमारे पास, वो हमारे पास बहुत कम है। जैसे कि ख़ास तौर पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है और जिसमें 65 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और 5 जो है ना शहरों से ये लोग यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट जो लोग कर रहे हैं। पहले इनाम हासिल करने वाले को यहाँ पर जो इनामात के हवाले से बताया गया है, 15 लाख रुपए जो फर्स्ट प्राइज होगा उसे मिलेगा, और जो सेकंड प्राइज जो विन करेगा उसे 10 लाख, और थर्ड प्राइज विन करने वाले को 5 लाख रुपए यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। रौनक है यहाँ पर, और पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि बलोचिस्तान की सरजमीन पर बाहर से जो है ना वो टीमें आई हैं, और इंतहा खुशगवार है ये माहौल। और मैं यही कहूँगी बलोचिस्तान हुकूमत से, मेरी यही गुजारिश है कि इस तरह के खेलों के इनेकाद को मज़ीद भी फ़रोग दे, यहाँ पर लड़कों के हवाले से जो टूर्नामेंट हो रहा है हम उसे बड़ा प्रेफर करें, बल्कि दूसरे भी यहाँ पर टूर्नामेंट होने चाहिए, ना सिर्फ क्रिकेट के बल्कि फुटबॉल के होने चाहिए। यहाँ पर जो मज़ीद खेल हैं उनके हवाले से भी लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल साहब की हम इस वजह से शुक्रगुजार हैं कि जब से उनकी हुकूमत आई है उन्होंने ज़्यादा तौर पर जो है ना उन्होंने खेलों को फ़रोग दिया है, और खेलों के फ़रोग की वजह से ही यहाँ पर जो नौजवान हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। अब ये टूर्नामेंट तो यहाँ पर शुरू हो चुका है और मैचेस भी यहाँ पर हो रहे हैं, पहली टीम अपना मैच खेल रही है। देखना ये है कि बलोचिस्तान की इस खूबसूरत सरजमीन पर वो कौन सी टीम होगी जो यहाँ पर हासिल करेगी।